हेलो पोल्ट्री फार्मर, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे फार्म का 10वां दिन है। आज हम अपने फार्म पर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे कराने वाले हैं फार्मर्स। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 10वें दिन पे मैनेजमेंट कुछ खास रहेगा और हम हर लॉट में हर 10वें दिन पे अपना डिसइंफेक्टेंट एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल का स्प्रे कराते हैं। ये एक मेडिसिन है, इसका नाम है कोर्सोलिन। इसे हम 5 ml पर 10 लीटर वाटर में अपना स्प्रे मशीन में डालकर स्प्रे टैंक में डालकर स्प्रे कराते हैं ताकि हमारे बर्ड्स को किसी भी प्रकार का एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल और किसी भी प्रकार की बीमारी से उन्हें बचाव मिल सके। तो ये हमारे फार्म पे स्प्रे हो रहा है फार्मर, ताकि आप देख सकते हैं। और हमें अपने फार्म पे स्प्रे को बर्ड्स के ऊपर भी कर सकते हैं। बर्ड्स के ऊपर भी अच्छे तरीके से पड़ना चाहिए, लीटर के ऊपर भी अच्छे तरीके से पड़ना चाहिए और वाटर और फीड में भी हल्का फुल्का पड़ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस स्प्रे को अच्छे तरीके से कोने कोने में लीटर के ऊपर अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं फार्मर्स कि हमारे फार्म में जो भी बीमारियाँ होती हैं वो पोल्ट्री के लीटर की वजह से ही होती है, क्योंकि लीटर में ही बर्ड्स दिन रात रहते हैं और वो उसी पे अपना बीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और CRD वगैरह की बीमारियां जो हैं वो हमारे फार्म में आने की संभावना रहती हैं। तो ये हर 10 दिन पे अगर हम ये स्प्रे कर देते हैं डिसइंफेक्टेंट का, तो हमारे फार्म से 80% जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हम 100% तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि 20% जो वायरस बैक्टीरिया बचते हैं वो धीरे धीरे वो अपना प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाते। इसलिए हम अपने फार्म पे ये स्प्रे ज़रूर ही करवाते हैं और ये आप लोग भी करवाइए, ज़रूरी है, ताकि आप लोग को भी नुकसान से बचाव हो सके। और स्प्रे कराने का तरीका है फार्मर कि सबसे पहले अपने जिस एरिया में बर्ड्स हैं उस एरिया में स्प्रे कराना चाहिए, फिर पर्दों के ऊपर स्प्रे कराना चाहिए, इसके बाद दीवार में और अपने फार्म के चारों ओर जिधर बर्ड्स नहीं रहते उधर भी हम स्प्रे करा सकते हैं। टंकी के आसपास जो भी हमारा कोना है, एक एक कोना हमें स्प्रे कराना है, ताकि कहीं से भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी हमारे ख़तरनाक बीमारियां जो पोल्ट्री फार्म में आती हैं वो नष्ट हो जाएं और हमें नुकसान से बच सकें। तो ये पोल्ट्री फार्म का आज का मैनेजमेंट था फार्मर्स, जो कि आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल का नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान पोल्ट्री।